दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की रात पूजन में कर लेना दो लौंग का यह अचूक उपाय। दिवाली साल में एक बार आती है, ऐसे ही जाने मत देना। आपका भाग्य अब आपके हाथों में है, घर की समस्त परेशानी दिक्कत तुरंत हो जाएगी खत्म। जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, धन खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी बीमारी ने आपको जड़ लिया है जिसे आप इलाज करा करा कर थक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परेशान करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे ऐसा पड़ गया है जिसकी वजह से आप छोटे छोटे जो काम करते हैं वह काम आपके बिगड़ जाते हैं, आपके जीवन में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है। और अगर आप इन प्रकार की परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो दोस्तों 12 तारीख को है दीपावली, इस रात आप सिर्फ लौंग के वह उपाय कर लीजिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और इसके बारे में आज की वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ दो लौंगों के आप वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन का कितना ही बड़ा कष्ट हो, कितनी बड़ी दिक्कत हो और कितनी ही बड़ी परेशानी हो, हर प्रकार की समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता रानी जी का, माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के जिन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं उन उपायों के बारे में आप जानकर खुद हैरान हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों वेद पुराणों में, धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर सही दिन पर क्रिया अनुसार लौंग का उपाय किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। दूसरी तरफ जो लौंग है वह माता रानी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है लौंग, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि माता रानी जी की पूजा में लौंग की माला माता रानी जी को पहनाई जाती है। दोस्तों साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी साक्षात धरती पर भ्रमण करती है और घर घर जाती है और अपना वास बनाती है क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी दीपावली के दौरान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। और इस दिवाली में कोई भी उपाय किया जाए उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है, साक्षात माता लक्ष्मी उसे अपना वो आशीर्वाद देती हैं जिससे उस व्यक्ति की कायाकल्प हो जाती है। दोस्तों अगर आपने दीपावली के दौरान माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज लौंग के उन उपायों में से एक भी उपाय कर लिया जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याओं से आपके हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों अच्छा आपने देखा भी होगा कि जब भी आप बीमार पड़ते होंगे आपको सर्दी हो जाती होगी, आपको खांसी आती होगी तो आपके घर वाले आपको दो लौंग दे देते होंगे और कहते होंगे कि इसको मुंह में दबा करके रखो। दोस्तों छोटी मोटी बीमारियां जो है वह सिर्फ लौंग का उपाय करके ही ठीक हो सकती हैं। दूसरी तरफ आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए जो लौंग का तेल होता है वह महंगी महंगी दवाइयां में इस्तेमाल किया जाता है, अगर महंगी महंगी बड़ी बड़ी दवाइयां में लौंग का तेल ना डाला जाए तो वह दवाइयां किसी भी काम की नहीं रहेगी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, दीपावली का हर पल हर दिन गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। कहने का मतलब क्या है, दिवाली का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन होता है, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि दीपावली के दिन लोग व्रत भी रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए तरह तरह की स्थापना करते हैं और उनका बड़ी जोरों शोरों के साथ स्वागत करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार जो भी ऐसा करता है उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले, दोस्तों तो आपको शास्त्रों के अनुसार वह उपाय करने चाहिए जो दिवाली के दौरान करने से आपको लाभ मिल सकता है।
और उन उपाय में से एक उपाय है। लौंग का उपाय, अगर आपने दो लौंगों के उस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को सही तरीके से कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माँ का साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद आपको मिलेगा और ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह देखने को मिलता है कि लौंग का उपाय अगर आप सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर दें तो यह कभी भी खाली नहीं जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि नवरात्रि हो गई, लक्ष्मी पूजन हो गया, दिवाली हो गई, ऐसे पवित्र और पवन दिनों पर आप लोग सही प्रकार से प्रयोग करेंगे तो उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह लौंग के उपाय से जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आप इस दीपावली के दौरान यदि दीपावली की रात 2-4 मिनट का समय निकाल करके सही तरीके से विधि विधान से कर लेते हैं तो मान के चलिए माता रानी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह तो पूरी होगी ही होगी। आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में माता लक्ष्मी जी की इस प्रकार से कृपा बरसेगी जिसके बाद आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा, क्योंकि दीपावली बार बार नहीं आती और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए, जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, आपको बड़ा ही लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुले हुए थे, अब आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह यही है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लग गया है जिस दोष की वजह से आपके जीवन में धन आ नहीं पा रहा है। लेकिन अब आप परेशान ना हो, दीपावली के दिन ये उपाय आप कर लेंगे तो मान के चलिए साक्षात माता रानी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा दोस्तों, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपको धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। यह बहुत ही आसान सा उपाय है। बस इस उपाय को करना कैसे है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। दिवाली के दिन सबसे पहले नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा। आपको एक घी का दीपक लेना है। देखिए, आप माता लक्ष्मी की रात में पूजा तो करेंगे ही, माता रानी जी की चौकी लगाएंगे ही, तो आपको वहां पर बैठना है। अब मान लीजिए आपके घर पर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है, तो आपके घर का जो भी पूजा घर है जहां पर माता रानी जी की एक कला चित्र है, माता रानी जी की मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है, वहां पर आप बैठ जाइए। यहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर कुछ चीज रखिए जैसे आपको रखना है। 21 लौंग, एक मुट्ठी चावल और 51 काली मिर्च, इन तीन चीजों को रख करके इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। अब माता रानी जी की कला चित्र के सामने आपको घी दीपक जलाना है। इस पोटली को अपने हाथ में उठाई, अपने हाथ में उठाने के बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का 9 बार पाठ करना है। ध्यान रखिएगा, 9 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है लक्ष्मी चालीसा।
अगर आपको नहीं आता है तो किसी भी पूजा घर से लक्ष्मी की पुस्तक को खरीद करके ले आइए। उससे आपको 9 बार लक्ष्मी चालीसा उसका आपको पाठ करना है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़कर रखिएगा। 9 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने के बाद इस पोटली को ले जाइए और अपने घर की अलमारी में तिजोरी में जहाँ पैसा रुपया सोना चांदी रखते हैं उधर दक्षिण दिशा में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको दीपावली की रात कर लेना है और यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरफ से जीवन में काम करेगी। इसके बाद न केवल आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे बल्कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष था जिसके साथ आपके पास धन टिक नहीं रहा था वह दो हट जाएगा और आपके जीवन में धन टिकना भी शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय घर की दरिद्रता को खत्म करने का महा उपाय। अगर आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रख चुकी है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है तो आप समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। और ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है उस घर की कभी न बरकत होती है न कभी उन्नति होती है। लेकिन अब आप परेशान मत हो, बहुत आसान सा उपाय है। देखिए, दीपावली समाप्त होने से पहले यह उपाय आप कीजिएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, बस शाम को नहा लीजिए, धो लीजिए। आपके घर पर अगर माता लक्ष्मी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है, माता लक्ष्मी जी की चौकी। यदि आप दीपावली पर नहीं लगते हैं तो आपके घर का जो पूजा घर है वहां पर आपको माता रानी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाइए और हाथ में 2 लौंग पकड़ने के बाद 9 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए। दोस्तों, ये 2 लौंगों को इस जलते दीपक में डाल दीजिए। यही उपाय आपको दीपावली के दिन करना है और यही उपाय करने भर से आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तीसरा उपाय बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। बहुत बीमार पड़े हुए हैं, अपना इलाज करा करके थक चुके हैं या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार पड़ा रहता है और अपना इलाज करा कर आकर परेशान हो चुका है तो यह महा उपाय दिवाली के एक दिन आपको करना है जो आपको बता रहे हैं। और जो भी व्यक्ति बीमार होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर माता रानी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देती हैं, तो उस व्यक्ति का साक्षात्काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत आसान सा उपाय है, आपको बस यह करना है कि दिवाली की रात यह उपाय आपको करना है कि दिवाली के शनिवार या रविवार की शाम को एक सरसों के तेल का दीपक लेना है। दोस्तों, 7 लौंग लेना है। अब आपको यह करना है कि वह जो 7 लौंग आपने लिया है, इस 7 लौंगों को ले जाइए, उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं ओर, ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाएं ओर आपको घुमाना है। अब इसी लौंग को और दिए को ले जाइए। किसी पीपल वृक्ष में पीपल की 7 परिक्रमा करने के बाद पीपल के सामने आपको यह सरसों के तेल का दीपक जलाना है। सरसों का तेल का दीपक जलाने के बाद आपको ये 7 लौंग उसमें डाल देना है और यहाँ पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जप 108 बार आपको करना है। दोस्तों, इतना भर करने भर से मानकर चलिए जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसको माता लक्ष्मी का साथ भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और वह बीमार व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस समय दीपावली की रात साक्षात माता लक्ष्मी विष्णु भगवान सहित वास करती हैं। दोस्तों, चौथा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए या आप मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप परेशान मत हो। इस दिवाली के दौरान अगर आपने वह उपाय कर लिया जो आपको बताने आ रहे हैं तो आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। बहुत आसान सा उपाय। इस उपाय के लिए कुछ चीज आपको चाहिए। आपको एक प्लास्टिक की या कांच की शीशी लेनी है, उसको भर लेना है पूरा लौंग से। अब आपको माता लक्ष्मी जी के किसी मंदिर जाना है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह उपाय घर पर नहीं कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाइए। माता रानी जी के मंदिर जाने के बाद आपको सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाने के बाद माता रानी को गुड़हल का फूल अर्पित करना है। माता लक्ष्मी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है और एक सीताफल भी अर्पित करना है। गुड़हल का फूल और सीताफल अर्पित करने के बाद
यह जो आपने लौंगों की डिबिया हाथ में पकड़ रखी है, यहाँ पर आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद हाथ में पड़े पड़े 9 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लेना है। दोस्तों, सिर्फ इतना आपको करना है, अब इसी डिब्बी को लाए अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए। जब भी आप नौकरी संबंधित किसी भी काम से निकलिएगा, इसी डिबिया में से एक लौंग निकाल लीजिएगा और अपनी जेब में, पर्स में, बैग में रख लीजिएगा। इतना भर अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए इतना उपाय करने पर आपकी नौकरी लगेगी, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। जब आपका कार्य सफल हो जाए तब वह लौंग आप किसी एकांत जगह पर रखाएं। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।